अच्छी लगी। तो इस वक्त हम जंजीरी गेट के पास आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना रश है इस वक्त जंजीरी गेट के पास। और ये वो जंजीरी गेट जो यहाँ पर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने के बिल्कुल करीब बना हुआ है। और इसकी भी रौनक जो है वो देखते ही बनती है। और दरगाह के सामने जो है तमाम मार्केट जो है वो सजा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से इधर जाने के लिए कशमकश हमें मची हुई है। इस वक्त हम जो है वो जंजीरी गेट के बिल्कुल बगल में है और लोग जो है वो अपने चप्पल जो है यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तादाद में जो चप्पल है वो यहाँ पर पड़े हुए आप देख सकते हैं। और ये वो जंजीरी गेट है देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जंजीरें जो है यहाँ पर बनी हुई हैं। पुलिस महकमा जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर। हम जो है वो कैंपस के अंदर जो है वो आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो एक हुजूम है वो आपको लगातार जो है वो देखने मिलेगा। बिल्कुल हर तरफ जो जायरीनों का एक हुजूम है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त हम दरगाह कैंपस के करीब मौजूद हैं। हम दिखाएंगे कि ये जायरीनों की जो तादाद है वो बेशुमार है। तमाम लोगों ने जो है दरगाह कैंपस में ही अपना बसेरा बनाया हुआ है। अब देखेंगे कि किस तरह से ज़ायरीन जो है वो दरगाह कैंपस में मौजूद हैं। और सामने जो है दरगाह की मस्जिद है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल हम दरगाह कैंपस के नाल दरवाजे के बिल्कुल पास में आ गए हैं। और सामने ही जो है नाल दरवाज़ा है। एलसीडी भी यहाँ पर लगी हुई है और ज़ायरीनों का जो हुजूम है वो देखते ही बनता है किस तादाद में जो ज़ायरीन है। और इस वक्त बारगाह सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह में मौजूद है। हर तरफ ज़ायरीनों का जो हुजूम है वो मौजूद है। यहाँ पर भी जो चप्पलों की तादाद है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चप्पलों की सफाई हो रही है यहाँ पर। सामने जो है नाल दरवाजा है, एक दूसरे के पीछे हो गया। जाने की जो कशमकश है वो मची हुई है। बिल्कुल हम नाल दरवाजे के करीब हैं। ये जो है नाल दरवाजा है, इसमें तमाम नाले जो है लगी हुई है। तरफ निकलना है, इस तरफ सामने नहीं जाना। ये जो लाइन है वो दरगाह पर ज़ियारत के लिए लगी हुई है। हालांकि अभी हम उधर जा नहीं रहे हैं। और अजीब कतरों से सावधान यहाँ पर बिल्कुल ताकीद लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। गाजी बाबा का मुरादी कुंडल है यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको भी उठाने के लिए यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। दरगाह कैंपस में कई जगह इस तरह का जो है छोटी छोटी चीज़ों के जो पैसे हैं वो बंधे हुए हैं, क्योंकि ज़ायरीनों की जो आमद है वो लाखों की तादाद में होती है। और इस तरह के छोटे छोटे इन्वेस्टरों से एक बड़ा अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। और हर जगह पर लोग बैठे हुए हैं और हर जगह पर आप को चंदे के लिए लोग देखने मिल जाएंगे। इस तरफ जो लोग हैं वो
दरगाह में ज़ियारत के लिए जाने की लाइन में लगे हुए हैं। तमाम लोग जो है इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि काजी सरकार के आस्थाने पर ज़ियारत की सब जा सके। शदीद आमद आवरी है और असीर तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो दरगाह के अंदर जाने के लिए मौजूद हैं। बेशक हजरत सैयद सालार मसूद गाजी जो है वो एक शहीद वली थे और जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है कि तुम उन्हें मुर्दा गुमान न करो, वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और मैं उन्हें खिलाता और पिलाता हूँ। उसी के सबब आप देख सकते हैं कि शहीदों के आस्थाने पर की गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। उसी के सबब एक हजूम जो है वो बारगाह सैयद सालार मसूद गाजी किस तरह बरपा है मैं दिखाऊं कि हर तरफ जो ज़ायरीन ज़ायरीन जो है मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ किस तरह जो ज़ायरीन है वो मौजूद है और हिंदू मुस्लिम में एकता की एक अनूठी मिसाल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वक्त हम बारगाह सैयद सालार मसूद गाजी के बिल्कुल करीब है और आप देख सकते हैं वो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह है और तमाम इलाकाई लोग जो है वो अपने अपने घरों से जो झंडा बुलंद आलम बुलंद करते हैं सैयद सालार मसूद गाजी का वो लेकर के आस्थाने की तरफ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं वो तमाम आलम जो है इस वक्त आस्थाने की छत पर जो रखे हुए हैं इस साइड भी तमाम आलम जो है वो मौजूद है देख सकते हैं। और दरगाह कमेटी ने तमाम बारातियों से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी बारातें जो है वो 8 बजे के बाद लेकर के आए। देख सकते हैं इस वक्त बारगाह में भी तमाम जो है वो मौजूद है देख सकते हैं। और इस तरफ लेडीज़ों की लाइन लगी थी, उस तरफ जीन्स की लगी हुई थी और तमाम झंडे जो है अलम लोग बुलंद करके जो है वो बारगाह है सैयद सालार मसूद गाजी में लेकर के आ रहे हैं। नंगे पांव जो है लोग दूर दूर से आलम बुलंद करके अपनी मन्नतों के साथ जो है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्थाने पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग को इन वलियों के आस्थाने से मिलता है और उसी के सबब उसी अकीदत के साथ वो इन वलियों के आस्थानों पर आते हैं और अपनी अकीदतों को अपनी मुरादों को पाते हैं। देखिए कि तमाम जो है हमारी हिंदू बहनें और हिंदू मुस्लिम एकता की एक अजीम मिसाल जो है वो बारगाह कुतुबुल मदार में आप हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनूठी मिसाल जो है वो हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की आस्थाने पर आपको देखने को मिलेगी।